नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किसका उत्तर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका संस्कृत है उसमें पेज नंबर 19 पे यानी कि 19 पे जो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए ना, इसी के उत्तर मैं आप लोगों को अभी बताने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार आप इन प्रश्नों को देख लीजिए क्योंकि अब मैं डायरेक्टली उत्तर पे जा रही हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या था कि चित्रा नाम नामानि लिखत, चित्रों के नाम लिखने थे आप लोगों को, तो इसको क्या कहते हैं नारंगम, ये क्या है जपाकुष्कम, ये क्या है मार्जका यानी कि इरेजर, ये क्या है गर्दभा, तो इसको कौन नहीं जानता डोंकी है ना। ये तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगला देखोगे तो वचनम अनुसृत्य चित्रनामानि लिखत, ठीक है तो वचन के साथ आप लोग को लिखना है। जैसे ये दोनों क्या है, दो बालक है ना, तो कैसे लिखोगे बालको। ये क्या है पंखा है, एक ही पंखा है तो वेजनम लिखोगे। यहाँ पे बहुत सारे चौक के खंड है, पीसेस है, तो इसको क्या बोलोगे सुधा खंडा। यहाँ पे दो दो कौवे हैं तो क्या बोलोगे काकाओ। उसके बाद अगला देखोगे तीसरा तो क्या है स्तंभ मेलनम कुरु। तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पे उत्तर भी लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे महिला, तो महिला का क्या होगा नृत्यति, पुरुष का गायती होगा, यहाँ पे मैंने उत्तर लिखे। ठीक है एतव का वदतः, त्वम का पश्यसि, ठीक है इस तरीके से करना है आप लोगों को। चलो आगे देखते हैं। तो चौथा यहाँ पे है क्या कि संख्या अक्षरे लिखता, आपको संख्या मतलब अक्षर में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। जैसे 27 है तो 27 को क्या कहते हैं सप्तविंशंति, ठीक है सप्तविंशंति। उसके बाद 43 है तो इसको क्या कहते हैं त्रिचत्वारिशत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पांचवा है शब्दान पृथक कुरु। देखो अभी ये जो शब्द दिए गए हैं आप लोगों को पृथक करना है कि स में क्या आएगा, सा में क्या आएगा और तद में क्या आएगा। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है सा में चंद्र गज आएगा, सा में माला मापिका पादरक्षा, फिर तद में गृहम पत्रम विमानम आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे देखो प्रश्न नंबर 6 क्या है, मंजूषातः योग्यम पर्यायम चित्वा वाक्यानि पूरयत, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे पूरा किया है, इसमें मम आएगा, इसमें छात्रा, इसमें वसामि, इसमें निर्जा और इसमें नृत्यति, इसमें पतंती, इसमें कृष्ण मेघा और इसमें नद्य, ठीक है। और ये तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे सातवां है कि क्रिया पद कोष्टकम पूरयत, ठीक है। तो ये जो ये टेबल दिया गया इसे आप लोग को पूर्ण करना है। तो देखो स्टूडेंट्स जो इसके आंसर होंगे, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे धावती लिखना है, यहाँ पे धावात लिखना है, यहाँ पे धावा में, यहाँ पे धावा वह, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को कंप्लीट करना है। और यहाँ पे हमने ये जो वर्ग परीक्षा दिया गया था इसमें जितने भी प्रश्न थे सबके उत्तर देख लिए हैं, सबके उत्तर मैंने आप लोग को बता दिया है, ठीक है। तो एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो।